हालेलुया। प्रभु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया ताकि हम प्रभु के वचन से बातचीत कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज का जो मेरा विषय है वो विषय है विधवाओं के विषय में बाइबल क्या कहती है और विधवाओं के लिए परमेश्वर की क्या योजना है। विधवाओं के विषय में बाइबल क्या कहती है और विधवाओं के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। आइए हम बाइबल से इन चीजों को देखेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि मसीह समाज के अंदर मसीही लोगों में बहुत ही ज्यादा रिच मैन लोग भी हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं। कई बार हम छोटी छोटी मिष्टियां, छोटी छोटी चीजें जो सेवकाई के लिए परमेश्वर हम लोगों को देता है, कई बार हम उनको भूल जाते हैं। तो ये पास्टरों का और सब जो अगुए हैं, प्रीचर हैं, उन सबको ये चीजें मैसेज डालना चाहिए ताकि हम सब मिलकर के मसीह की देह को और जो प्रभु की आज्ञाएं हैं हम उनको कर सके। और ऐसे एक विषय जो मैंने बोला आज विधवाओं के लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु क्या योजना, किस तरीके से परमेश्वर विधवाओं के लिए क्या क्या विचार रखते हैं। हालेलुया। तो मैं पहले फर्स्ट में स्टार्टिंग करूंगा याकूब उसका एक अध्याय और 27 वचन से हम स्टार्ट करेंगे। याकूब एक अध्याय और उसका 27 से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट, बहुत ही केयरफुली आपने इन वचनों को स्टडी करना, ध्यान से देखना है। और जब मैं पढ़ता हूं तो बड़ा आनंद आता है और मैं सोचता हूँ यार हम लोग कहां थे इतने टाइम। और जो ये मैं प्रचार कर रहा हूं ये ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, हम भी सोशल वर्क काम करते हैं, विधवाओं के लिए हम लोग काम करते हैं। और जैसे पेड़ लगाना और सिलाई सेंटर और छोटे छोटे मोटे काम जितने भी हम लोग सैसठ में ये काम लोग करते रहते हैं, जितनी हमारी मिनिस्ट्री के अंदर पावर है हम उससे ज्यादा कहीं ज्यादा काम करते हैं। और आप भी हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें और आप भी हमारे साथ जुड़ के सेवा कर सकते हैं जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं। और जैसे हमारे बाइबल स्कूल में बहुत से बच्चे नशे के वाले भी आते हैं कई बार, तो हम लोग उनके लिए भी काम करते हैं। जिनको दुनिया के लोग नकार देते हैं हम उन्हें रिसीव करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए लूका 4:18 में लिखा है कि यीशु मसीह का खास अभिषेक हुआ है उस कार्य के लिए। इसी तरीके से हर एक डिफरेंट डिफरेंट अभिषेक खुदा ने सबको दिए, मेरी सेवकाई डिफरेंट है और सेवकों की डिफरेंट है, ताकि हम सब मिलकर एक मसीह की देह को मजबूत करें और शैतानिक कामों को नाश करें। और जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं करते हैं तो प्रभु खुश नहीं होता। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है विश्वास जो है वो कर्म के बिना अधूरा है। आइए हम इस चीज के लिए स्टडी करें। याकूब उसका एक अध्याय और उसका 27 वचन। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। अब ध्यान दे इस बात के, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध, पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि लें। पहली बात क्या बोल गया, अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए हम उनकी शुद्धि लें। ये प्रभु की इच्छा है और किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है। इस वचन से हम जो सीखते हैं, पूरा पढ़ दीजिए, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अपने आप को हमें संसार से भी निष्कलंक रखना है। कोई हमारे ऊपर बाइबल से ये वचन निकालकर कोई एलिगेशन न लगाए कि यार आपके बाइबल के अंदर लिखा है विधवाओं की शुद्धि लो, क्या आप लोग विधवाओं की शुद्धि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो परमेश्वर चाहता है इस कलंक से हम निष्कलंक रहें। कोई भी हमारे ऊपर एलिगेशन न लगाए कि क्या हम विधवाओं की शुद्धि ले रहे हैं, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है, जो हमें आज्ञाएं हैं वो हम लोगों को करना पड़ेगा। धार्मिक काम भी हम तभी करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है, तो हमें भी धर्मी काम करने पड़ेंगे। हालेलुया। तो ये वचन को हमने केयरफुल ध्यान से सुनना है। परमेश्वर की इच्छा है ये कि हम विधवाओं की शुद्धि ले, विधवाओं के लिए और उनके क्लेशों में दुखों में हम लोगों के। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि विधवाओं के
के बारे में किस तरीके से बाइबल हमें बताती है। ये मैं पूरी तरह से आपको खुल के प्रभु के वचन से जो भी है मैं आपके सामने बयान करूंगा इसको, और आप बी केयरफुली और ध्यान से इन वचनों सुनेंगे। पहला तिमुथियुस, ये उस तिमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसका 3, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है, जो सचमुच विधवा है, आदर कर। अब ये क्यों जोर दे रहा प्रभु, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है। अब ये चीजें गौर देने वाली होती हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमें कुछ बताने जा रहा है, कुछ बताना चाहता है। विधवा तो बहुत सी हैं, पर सचमुच में जो विधवाएं हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। हालेलुया, पढ़ द्वारा से रिपीट करें। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। अब बाइबल हमें ये सिखाती है कि जो सचमुच में विधवाएं हैं हमें उनका आदर करना है। ये प्रभु ने हमें कहा है, किसी व्यक्ति ने हमें नहीं कहा। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो हेल्प भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, और जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो भी आगे आए इस कार्य के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रभु किन विधवाओं की सपोर्ट करने के लिए हमें बोलता है। जब आप पूरा मैसेज सुनेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, और आप भी अपना हाथ बटाएं उन विधवाओं के लिए। अगर हम दुआ करते हैं, मान लो आप बाइबल पढ़ते हैं, आप उपवास करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो सब व्यर्थ है। ये भी एक आज्ञा ही है हमें कि उनका आदर कर। ये किसी और व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा है, ये मसीह की देह को बोला जा रहा है। और ये नहीं, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग जो पास्टर का विश्वास है उसके जाके हेल्प कर दे विधवा को, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आपने याद रखे इस बात के लिए, बहुत से दुनिया में के अंदर आपको मालूम है बहुत से लोग मसीह लोग, इतना पैसा उनके पास, बेहद पैसा है मसीह लोगों के पास, लेकिन वो खुदा के लिए कुछ भी यूज करना नहीं चाहते। वही लोग नरक में जाएंगे। धनवान कौन सा नरक में जाएगा मालूम है, जो खुदा के लिए कंजूसी करता है। जो धनवान खुदा के लिए लगाते हैं वो कभी नरक में नहीं जाएंगे। तो ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो यही है विधवाओं के लिए। तो उन विधवाओं को हमने आदर करना है जो विधवाएं सचमुच में विधवाएं, अरे हम लिखा बाइबल के अनुसार सही विधवाएं कौन सी हैं उनकी हमने शुद्धि लेनी है। अब बाइबल के अनुसार सही विधवाएं कौन सी है, सही जैसा प्रभु ने कहा कि सचमुच में आदर के योग्य जो समझी जाए वो विधवाएं कौन सी हैं, आज हमें इस बात का पता लगाना है। यही पढ़ेंगे हम पहला तिमुथियुस उसका 5:9-10। इसे वचन में हमें बाइबल क्लियर तरीके से बताती है विधवाओं की क्वालिटी क्या है, कौन विधवाएं हैं, उनके अंदर क्या टैलेंट होना चाहिए। हम सब आगे से आगे इसको देखते जाएंगे, सब चीजों को आपने समझना है। जल्दबाजी मत कीज करना आप के पाशाओं ने क्या बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है, और वचन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से विधवाएं, जवान विधवाएं, बुजुर्ग विधवाएं, कौन सी विधवाएं हैं, क्या क्वालिटी है उनके अंदर, विधवाओं के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, तो वही विधवाओं को हम सपोर्ट कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए साहब, यहां क्या लिखा है, उसी विधवा का नाम लिखा जाए। वचन में ऐसे लिखा है पहला तिमुथियुस का 5:9-10 में, उसी विधवा का नाम लिखा जाए, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो, जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। क्वालिटी देखिए क्या होनी चाहिए विधवा के अंदर, सबसे बड़ी क्वालिटी आपको क्या ढूंढनी है, जो विधवा है सचमुच में उनको आपने देखना है, उनकी लाइफ के बारे में देखना है जो हमें बाइबल बताती है। पहली बात 60 से वो कम ना हो, दूसरी बात एक ही पति की पत्नी होनी चाहिए, वो सुन रहे हैं बात को, अब उसका पति एक्सपायर हो गया तो वो विधवा हुई, एक ही पति उनका होना चाहिए। आगे और भले काम में सुनाम रही हो, और भले काम में उनका नाम हो कि ये विधवाएं जो हैं भला काम करती आ रही हैं। ये क्वालिटी बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, प्रभु का वचन बता रहा है, मैं सेवा को पढ़ पढ़ के ये बात बता रहा हूं। हां जी, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, ये भी याद रखें, आपको पता हो उस विधवा को कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है, किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और आगे अतिथियों की सेवा की हो, हाँ जो गेस्ट हैं, जो अतिथि हैं उनकी
रिस्पेक्ट की हो, उनका आदर किया हो, ये विधवा को आना जरूरी है। हाँ जी आगे, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो उस विधवा ने। पवित्र लोग कौन होते हैं? पास्टर, खुदा के लोग जो आदर के योग्य समझे जाते हैं। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कमांड किया है, मेरे दास दो गुना आदर के योग्य समझे जाएं। पवित्र लोगों के इस विधवा ने पैर धोए हो, दुखियों की सहायता की हो, दुखियों की सहायता की हो और हर भले काम में मन लगाया हो, और हर एक भले काम में मन लगाया हो, दूसरी तरफ ना मन लगाया हो। तो ये आपको चेक करना है जब आप एक वीडियो को स्पॉट करना चाहते हैं। हालेलुया, पढ़ दीजिए आगे, दसवां हो गया पूरा, दस हो गए। हालेलुया, ये नौ दस हमने पढ़ा है और इसमें आपने देखा है कि प्रभु ने बताया ये चीजें होनी चाहिए। आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं। हालेलुया, अगर ये चीजें नहीं पाई जाती तो हम उसको विधवा नहीं कह सकते, क्योंकि वो दुनिया में खोई हुई है और दुनिया में जो खो गई है परमेश्वर उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको विधवा नहीं मानेंगे परमेश्वर जो दुनिया में खो जाएगी। परमेश्वर को वो चाहिए जो खुदा के डर में, भय में और वचन से प्यार करने वाली, प्रार्थना करने वाली, और वो विधवाओं को परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया, और इसी का ही पहला तिमोथियुस उसका 5:4 ये भी पढ़ लेंगे हम साथ में ही। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो, यदि किसी विधवा के बच्चे नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना। विधवाओं को ये बोला गया, परमेश्वर ने बोला है कि पहले अपने घराने से अच्छा व्यवहार करें। मैंने बहुत सारी विधवाओं को देखा है जो प्रार्थना भी करती हैं, बाइबल भी पढ़ती हैं, उपवास भी रख लेती हैं, चर्च में भी टाइम से जाती हैं, लेकिन उनका घर के अंदर अच्छा बर्ताव नहीं है। अपनी बहुओं के साथ, अपने बेटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं, ये क्वालिटी अगर नहीं है तो आपकी गिनती विधवा में नहीं आती, आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और हमें भी ये ध्यान देना है, क्या वाकई जो वचन पे चल रही है वही विधवाएं हैं जो बाइबल हमें बताती है, और हमें 100% उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हालेलुया, पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है, ये वीडियो के लिए बोला जा रहा है, ये उस विधवा के लिए बोला जा रहा है, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया, और इसके 5:5 पढ़ लीजिए, पहला तिमोथियुस उसका 5:5 उसका। हाँ जी, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है, और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। रात दिन प्रार्थना में, विनती करने में लोलीन रहती है, मतलब वो खुदा के साथ जुड़ी हुई है। इसको रिपीट करो शायद को फिर दोबारा से। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है, प्रार्थना में रहती है। हालेलुया, देखिए अभी यहां वचन में क्या है, वो आशा रखती है खुदा के ऊपर। कई बार परमेश्वर हम लोगों से बात करता है कि जाइए आप उस विधवा की जाकर हेल्प कीजिए, लेकिन कई बार हम आनाकानी करते हैं, इग्नोर कर देते हैं बातों को, हम बर्दाश्त नहीं करते, हम उन चीजों को ले नहीं पाते, खुदा जो कहता है हम उसको ले नहीं पा रहे। तो वो चीजें कई बार हम लोग क्या करते रहते हैं, कई बार हम लाइफ में फिर अपने में दुखी रहते हैं। हम लोग हम प्रार्थना भी करते हैं, हम कई बार बोलते हैं यार मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं वचन भी कर रहा हूं, मैं दशमांश भी दे रहा हूं, मैं पाशा को बुलाता हूं, फिर भी मेरे घर में कुछ आ नहीं रहा। मैं बताना चाहता हूं, हमेशा बैठकर हमेशा अपनी लाइफ से व्यक्तिगत बात करें कि हम लोग कहां चूक गए हैं, हम लोगों को परमेश्वर क्या करना चाहता है, हमें खुदा ने क्या बोला है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कई लोगों ने वादा किया कि पाशा चलो आओ, मेरे साथ भी कई बारी बात हुई, आओ पाशा एक सलाह के साथ, हम स्कीम के साथ कम से कम 5 विधवाओं को 10 विधवाओं को थोड़ा थोड़ा मिलकर हम सपोर्ट करते हैं। बातचीत की और बाद में फरा, और ये भी बोला कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है कि हम विधवाओं की शुद्धि लें। मैंने बोला ठीक है साहब, हम काम करते हैं, लेकिन बाद में बंदे गैप हो गए। बाइबल लिखा जो तुम कहते हो सो करो,
कोई मन्नत मांगते हो तो उसको पूरा करें आप। कई बार हम बोलते हैं पाशाह हम ये करेंगे, मेरे साथ भी कई बारी चीजें होती हैं, पाशाह मैं बाइबल स्कूल के लिए ये कर दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं कैमरा दूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा। ये कई बार हम भूल जाते हैं उन चीजों को, और जब भूल जाते हैं तो बाइबल लिखा है पहली बात तो मां कब कहा खुदा ने आपको, आप जाकर ये बात कह दो। अगर खुदा ने कहा है तो, अगर आपने कहा है तो फिर उसका पूरा कीजिए आप। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी विधवा के साथ कोई भी ऐसा काम हो जिससे परमेश्वर को प्रॉब्लम हो आपके बोलने से। परमेश्वर चाहता है विधवाओं की रिस्पेक्ट की जाए, विधवाओं से गलत व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि जो सचमुच में विधवाएं हैं वो आशा रखती है खुदा के ऊपर। और परमेश्वर ये नहीं होता कि कभी ऊपर से आपके लिए कुछ आशाओं घेर देगा, वो नहीं, वो किसी इंसान को ही भेजता है आपकी हेल्प करने के लिए। हालेलुया, वो जानवरों को भी से भी हेल्प लेता है। आप देखिए एलिय के लिए कौवे को भेज दिया गया, वो किसी जानवर को, पक्षी को, किसी भी तरीके से इंसान को भेजता है। तो हमें ये ध्यान देना है खुदा ने हमें क्या सेव कर दिए। हालेलुया, बहुत सर मेरे ऐसे लाइफ के अंदर ऐसी चीजें गुजरी हैं जहां से मैंने खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया, मैं एक बारी किसी घर में गया, अभी बता रहा हूं ये बात है खुदा की बात सुनने की बात। तो मैं किसी के पास गया, वो बिजनेसमैन बंदा था, तो मैं उसके पास गया, उसने मुझे भेंट देना चाहा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा इसकी भेंट को नहीं लेना। देखिए मैं खुद सिखाता हूं कि आप बोएंगे काटेंगे भेंट दीजिए। मैंने फट से, और मुझे झटका लगा एकदम से, करंट लगा, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहा पवित्र आत्मा। मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं लूंगा। वो हैरान था बंदा, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे एक सेवक मिला, और उस जिस बिजनेसमैन के पास मैं गया था उसकी स्टोरी मुझे बताने लगा। तो उस व्यक्ति ने किसी को कहा है कि मेरे पास पास्टर इसलिए आते हैं कि मैं उनको ऑफरिंग देता हूं। मैंने उसको तो नहीं बताया, पर मैंने थैंक्स किया, प्रभु शुक्र है कि मैंने आपकी आवाज को सुना। ये चीजें होती हैं, खुदा हमें क्या बोलता है करने के लिए ये करना जरूरी है। हालात कैसे भी रहे हो, आपको खुदा की आवाज का सुनना आना बहुत जरूरी है, खासकर सेवकों को। हालेलुया, परमेश्वर हमें बहुत चीजें हमें समझाता है प्रभु किस तरीके से हम लोग कार्य करें। और मैं कुछ वचन आपसे शेयर करना चाहता हूं जो कि विधवाओं के लिए प्रभु ने कहे हैं। आप उनकी शुद्धि लें, आप उनके लिए कार्य करें, विधवाएं आदर को समझें। मैं एक वचन है ये आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इसको रिपीट कर लें। मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ एक या दो वचन मैं पढ़ूंगा, बाकी आप इसको ले लिया। लिखा है, इसका हेडिंग क्या है, हमें विधवाओं के लिए कार्य करना चाहिए। प्रभु भी चाहता है कि हम विधवाओं के लिए कार्य करें। एक वचन पढ़ लिया मेरे साथ, भजन संहिता उसका 8:6-8 और उसका 5। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। देखिए एक ही वचन पढ़ूंगा, बाकी मैं आपको ऐसे ही ये मैसेज आयते बताऊंगा, सुने ध्यान से फिर पढ़े इसका। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता, अनाथों का पिता है और विधवाओं का न्याय है। और विधवाओं का न्याय है वो, अगर कोई व्यक्ति विधवाओं के साथ ठीक ढंग से न्याय नहीं करेगा तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं उसको। अगर खुदा ने हमें बोला है तो हमें वर्क करना चाहिए। अगर आपको आत्म में लगता है कि हम विधवाओं के लिए काम करें या आप विधवाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे से मिल सकते हैं, हम सब मिलकर भी ये काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम और भी इसको बढ़ाना चाहते हैं। आज दुनिया के अंदर बहुत लोग दुखी हैं। कई बार तो मैं हैरान रहता हूं कि लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म जाति और हर एक जाति का व्यक्ति दुखी है, किसको नीड है, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, शुद्धि ली जा रही है उनकी। प्रियो वचन से ही नहीं हमें प्रैक्टिकल से भी प्रभु काम करना है। थोड़े में से थोड़े में वफादार रहेंगे परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। आप घबराए ना, खुदा हमारा छोटा नहीं है। करके देखिए आप, खुदा के साथ चल के देखें आप। आपने जिंदगी में बहुत कुछ
किया होगा, आपने लॉस खा ये खा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु के साथ चल के देखें, उसकी शिक्षाओं को साथ चल के देखें, आप सही शिक्षाओं को आप लेकर चलें, एक आनंद भरा आपका जीवन प्रभु देगा। आमीन, हालेलुया। तो आप यर्मिया उसका 49:11 नोट करते रहे, और उसका 7:6 यर्मिया का ही, और नीति वचन 15:25 ये आपने स्टडी करनी है। मैं प्रचार नहीं बताऊंगा, आप इसमें और ज्यादा आपकी हेल्प के लिए मैं कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन वचनों स्टडी करें। मलाकी उसका 3:5, भजन संहिता 94:94 उसका 6, और भजन संहिता 146 उसका 9, और अय्यूब 22 उसका 9, और अय्यूब 24:3 और 29:13 अय्यूब, हालेलुया। और निर्गमन 22 अध्याय उसका 22, 23 और 24, यहेजकेल उसका 22 उसका 7, व्यवस्था विवरण 14:29 और 24:19, 20, 21 और 10:18 और 27:19, हालेलुया। ये आपको वचन में इसलिए दे रहा हूं, इतने सारे वचन आप इनको घर में बैठ के स्टडी कीजिए। जब आप इनको स्टडी करेंगे तो देखिए परमेश्वर विधवाओं के लिए हमें क्या बोल रहा है, बार बार परमेश्वर हमें बोल रहा है विधवाओं के लिए आप कुछ करें, विधवाओं के लिए हमें कार्य करना है, हालेलुया। इसमें एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, हमें कभी भी विधवाओं के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, वरना हम सीधे परमेश्वर के हाथ में जाएंगे। जब आप इन वचनों को पढ़ोगे तो आपको यह समझ आ जाएगी। और मैं उन विधवाओं के लिए बोलना चाहता हूं, अब ध्यान दें इस बात के लिए, विधवाओं को भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक दो वचन बताना चाहता हूं, विधवाओं को भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। बाइबल से मैं बताना चाहता हूं, जिन विधवाओं ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और खुदा के आगे वो माना, और जो दास उनके पास गए उन दासों का हुक्म माना और उन्होंने ब्लेसिंग को पाया, हालेलुया। पहला राजा उसका 17 अध्याय अगर आप 8 से लेकर 24 तक स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे एलिया के स्टोरी में आपको एक विधवा नजर आएगी एलिया के साथ। तो आप देखिए जब उसने एलिया ने जाकर उस विडो को बोला कि तू मुझे पानी पिला रोटी खिला, तो उस विडो ने एक ही बात बोली कि मेरे पास थोड़ा सा आटा और कुपी में तेल है, आज हम खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने कहा पहले तुम मेरे लिए बनाकर लेकर आ। और जब एलिया ने खाया उसको कहा जब तक अकाल पड़ रहा है तब तक ना तेरा तेल खत्म होगा ना तेरा आटा मैदा खत्म होगा, हालेलुया। देखिए विधवा ने विश्वास किया, दास का हुक्म माना। इसी तरीके से दूसरा राजा उसका 4:1-7 अगर आप स्टडी करेंगे, अलीशा ने विधवा की हेल्प की जब उसने कहना माना, हालेलुया। अगर हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं मरकुस उसका, इसको पढ़ी लो आप, मरकुस उसका 12:42-43 में हम स्टडी करते हैं, तो उस विधवा की प्रभु ने उसको महिमा की, उसकी उसको ऊंचा किया, उसको बढ़ाया। और देखिए विधवा के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, पढ़ दीजिए यहां पर। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। सुन रहे ध्यान से, आप सुन रहे हैं, रिपीट कीजिए दोबारा से। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 दमड़िया डाल दी। जो एक देखिए यीशु ने क्या कहा, जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में से डालने वालों ने इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पाई तो उसने 2 दमड़ी एक धेले के बराबर, पर यीशु ने यह बात क्यों बोली कि सबसे ज्यादा इसने पाया? पहली बात तो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया उस विधवा ने कि मैं अगर किसी व्यक्ति को यह धेला दे दूंगी तो कोई मुझे वापस नहीं देगा। एक जीवता परमेश्वर यीशु मसीह है, एक परमेश्वर है जो मुझे वापस कर सकता है 1000 गुना में। पहला विश्वास उसका यह था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधवा ने पीछे कुछ नहीं रखा। आज की दुनिया के लोग जब बोते हैं खुदा के लिए
पहले उनको चिंता होती है, मुझे बच्चों की फीस देनी है, मुझे ये करना है, ये करना, और सब सोच विचार के फिर थोड़ा बहुत खुदा को देते हैं। खुदा के ऊपर भरोसा नहीं होता उनका। लेकिन इस विडो ने पीछे कुछ ही रखा, सबसे क्वालिटी की बात, तब ये सोच ने कहा कि इसने ज्यादा दिया, क्योंकि पहली बात 100% विश्वास खुदा के ऊपर किया, दूसरी बात ने पीछे कुछ नहीं रखा। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, ये बातें, खुदा यीशु मसीह, क्या आज जो आप दे रहे हैं, आप जो मुट्ठी बंद करके देते हैं, आप जो दसवांश भेंट देते हैं, क्या यीशु आज नहीं देख रहा आपको कि आप क्या दे रहे हैं? या आप दसवांश की चोरी कर रहे हैं, या आप भेंट की चोरी कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह ये चीज आज नहीं देख रहे हैं? जब यीशु मसीह उस वीडियो को उस टाइम देख रहे हैं, आज भी यीशु मसीह देख रहे हैं कि आप क्या बो रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं और किन विचारों से कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है वो हमारे विचारों को जानता है। लेकिन बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे झूठे टीचर, शिक्षक, ये उपदेशक जो निकल चुके हैं, जो पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, मुझे हैरानगी आती है इन लोगों पे। साफ ही कह देते हैं पैसा देना ही नहीं खुदा के लोग, मुझे हैरानगी रहती है यार, कैसे लोग हैं? वचन पूरा बाइबल पैसे के लिए भरा पड़ा है, प्रभु के दासों की हेल्प करो, मदद करो, उनकी शुद्धि लो। जो खुदा के लोग हैं, ग्रंथियों में लिखा हुआ है, जो खुदा के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, जो वचन सुनाते हैं, वचन से ही उनकी जीविका चलेगी। ये है अंधे अगुवे जो तुम्हें गड्ढे में लेके जाएंगे, इनकी मत सुनिए आप। मैं हैरान हूं इस चीज के लिए। मैं एक दिन जब इस वचन को पढ़ा, मैंने बोला यार उसने तो चुपचाप डाल दिया, इतनी दूर से यीशु मसीह ने कैसे देख लिया, कैसे समझा दिया? क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है हमारा। आज भी यीशु मसीह देखता है आपको, किस हृदय से आप बोते हो। मैंने अपने घर के अंदर बोला हुआ है, अगर मैं घर पे नहीं हूं, कोई खुदा का दास आए, घर से खाली नहीं जाना चाहिए, और 50 सोने देने, 500 से ऊपर जितना मर्जी दो भैया, 1000 दो 2000 दो, मुझे नहीं पता, दो। 2007 में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की अलग से, तो जो मेरे साथ सेवक पास्टर काम कर रहे हैं, एक बार मेरा दोस्त पास्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि आपने इतनी जल्दी बढ़ोतरी क्यों की है, कैसे की, क्या कारण है पाशा यार, आपने जीरो लेवल से शुरू किया। मैंने बोला एक ही राज है इसका, अगर आप करना चाहते हैं वो है बोना, बोना सीखिए। ये राज की बात बता रहा हूं आपको, अगर आप चाहते हैं आपके जेब में पैसा हो, आपके पास घर ब्लेसिंग हो, बोइए आप खुशी के साथ बोइए। हालेलुया। वचन लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वचन सिद्धम लिखा है 126 उसका 5 में, 5 और 6 स्टडी करना, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो लोग जय जयकार करने पाएंगे। क्या आप इस वचन में विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास था। कोई बात नहीं रजेश, आज रो रो के बोने का समय, बोया रोने के समय भी बोया। फर्स्ट ऑफरिंग 150 रुपया थी, मैं और मेरी मैडम देख के आंसू आ गए हमारे आंखों में। बच्चों की फीस, बच्चे छोटे थे उस टाइम, रेंट पे था मैं, 3000 पे किराया। कोई बात नहीं, परमेश्वर लेके आया, पूरा करेगा। ये है विश्वास, कहने से नहीं, प्रैक्टिकली। प्रभु ने सब कुछ दिया है, जितना तेरे पास है संतुष्टि कर, टेंशन वाली कोई बात नहीं। कभी खुदा ने किसी की कमी नहीं छोड़ी। हालेलुया। हीरो है, हीरो रहेंगे, खुदा के हीरो है। आमीन। शैतान को जीरो बना दिया परमेश्वर ने, आपको और मुझे हीरो बनाने के लिए, अपने लहू से खरीद लिया। आमीन। किसी से कमी होगी यार, चले तो खुदा वचन तो दे, कितना कितना जोर से वचन है, जो आंसुओं के साथ बोएगा, मतलब आपने उस समय बोना है जब आपकी दिशा आंसुओं में गई हुई है, कुछ भी नहीं है। उस विधवा ने आंसुओं के टाइम में बोया, विधवा ने कमाल कर दिया। हालेलुया। मैं इस चीज आपको बताना चाहता हूं, मेरा फैंस का नहीं बोल रहा हूं मैं, पर मेरे आत्मा में लग रहा है कि मैं ये चीज आपको बोलूं ताकि आप धजिए उड़ाएं।
प्रेरित काम है स्टडी करे, उन लोगों ने अपने घर बेच दिए यार, पागल तो नहीं होंगे वो। बाइबल बताती है उन्होंने अपने घर बेच दिए, और मैं सोचता हूं उन लोगों ने गरीबी की धज्जियां उड़ा दी। अगर आज आप गरीबी की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, वचन को लेकर चले आप, आपका बिजनेस, आपका हर्ष, आज आपको भिजवानी कराने की जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीति वचन 18:16 भेंट मनुष्य मार्ग खोलती है, चकाचो फटे। अब मैं यही भेद की बातें बता रहा हूं आपको, मैं प्रैक्टिकल करके देखिए आप। हालेलुया, टेस्टिमनी सुने लोगों के, आप खुदा बहुत महान है। एविनी विधवा की तारीफ कर दी यीशु मसीह ने, एविन उसका नाम ले दिया कि इस विधवा ने ज्यादा डाला है। आज हमारे नाम भी होने चाहिए कि हम ज्यादा डालने वाले वैसे थे। आमीन, हालेलुया। चलो हम आगे चलते अपने विषय पर। अगले मेरे जो मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे मैंने बताया कि 60 साल से कम की ना हो वीडियो, और उनको हमने मदद करनी है। अब बताता हूं मैं आपको जवान विधवाओं के लिए प्रभु ईश्वर की क्या योजना, परमेश्वर उनके विषय में क्या बताना चाहता है आपको, जवान विधवाओं के विषय में परमेश्वर की क्या योजना है। पहला तिमोथियुस उसका 5:11, क्योंकि जवान भी विडो हो सकते हैं, तो उनके बारे में खुदा की क्या सलाह है और प्रभु उनके लिए क्या चाहते हैं। पढ़ लीजिए वचन को, पहला तिमोथियुस का 5:11। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना। अब यहां पर परमेश्वर कुछ और सलाह दे रहा है हमें प्रभु का वचन, जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं। कई बारी बहुत सारी विधवाएं जो हैं वो मसीह का विरोध कर देती हैं और अपने ही सुख विलास में पड़ जाती हैं, तो विवाह करना चाहती हैं, तो वो विवाह करना चाहती है। हालेलुया, मैं सोचता हूँ 12:13-16 तक पढ़ दीजिए आप, सुने ध्यान से। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना। पर यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है, बाइबल हमें क्या बोलती है, जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं, तो विवाह करना चाहती हैं। वो विवाह करना चाहती हैं, ये नहीं कि विवाह करना बुरी बात है, मैं बताना चाहता हूं आपको ये बुरी बात नहीं है, विवाह कर सकते हैं आप, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए विधवाओं के लिए प्रभु की योजना क्या है, प्रभु किन किन विधवाओं के लिए कैसे कैसे क्या क्या हमें सलाह दे रहे हैं। आगे पढ़िए, और दोषी ठहरती हैं, और फिर वो दोषी भी ठहर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती हैं। अब ये जो जवान औरतें यही क्या करती हैं, घर घर जाकर आलसी होना सीखती हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, मेरे ऊपर मत कहते, नहीं बाइबल में लिखा है। कुछ जवान स्त्री, हर एक भी नहीं हो सकती, कुछ स्त्रियां जवान ऐसी हैं जिनको बोला भाई इस काम से अच्छा कि आप शादी कर लो, अच्छी बात है, अगर आप रह सकते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सचमुच विधवा की अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आप ये चीज विधवा को जो मैंने बताया ये क्वालिटी जवान भी रखते हैं अपने अंदर, तो ठीक है, फिर खुदा उनका भी न्याय कर, उनसे भी परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन उन विधवाओं को जो जवान है और जो प्रभु के वचन से बाहर जा रही है उनके लिए बोला जा रहा है, पढ़िए, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती, और आलसी भी बकती होती हैं और फिर बकबक बहुत करना शुरू कर देती हैं, और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं, और दूसरों के कामों में हाथ भी डालती हैं औरतें, और अनुचित बातें बोलती हैं, अनुचित बातें भी बोलती हैं। 16 से पढ़ देना, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें। इसलिए वो कहता है, पालूस कहता है मैं चाहता हूं जवान जो है वो विवाह कर लें, और बच्चे जने और घर बार संभाले, और अपना घर बार संभालिए आप, और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे। और किसी विरोधी को, मेन मतलब क्या है, कोई भी मसीही बहन को ये ना कह सके विरोधी कि ये देख लो जी ये मसीह के लोग घूम रहे जी, इससे अच्छा आप शादी करें, बुरा ही नहीं है, एक विडो शादी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालेलुया, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, हमें बाइबल अलाउ कर रही है कोई विडो है तो आप शादी कर लीजिए, पर इस समाज के इस लफड़ेबाजी में कि ये सुन उसकी हम बदनामी कराएं उससे अच्छा आप शादी करें, पढ़ लीजिए इसको रिपीट लेन, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभालें,
और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें। किसी भी विरोधी को मौका ना दिया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है, बाइबल है, हमें टीच करती है, समझाती है कि किस तरीके से विधवा जो है, जवानों का सिस्टम ये होना चाहिए, जो ओल्ड है 60 साल से कम ना हो उनका सिस्टम ये होना चाहिए, उनके अंदर चीजें होनी चाहिए, उनके हम सपोर्ट करें। पूरा तरीके से खुल के बाइबल हमारे लिए बोलती है ताकि हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करें और यीशु मसीह के साथ हम लोग जुड़े रहे। हालेलुया। 16 से पढ़ दिया पूरा। क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी है, यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ कोई विधवा हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ लीजिए आप, पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय उसका 6। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। पर जो जवान भोग विलास में पड़ गई है, समझ लो वो मर गई। पहला क्रंथियों उसका 7:8-9 सुनो यहाँ पर क्या लिखा है। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। पालू सलाह दे रहे इस बात के लिए, अगर आप मैरिज नहीं करते तो और भी बेटर है, क्योंकि परमेश्वर यंग से प्यार करता है। जब हम शादी कर लेते हैं, शादी करना आदर की बात है, मैं बोलने वाला हूँ, प्रीचिंग करने वाला हूँ शादी के लिए भी, तो आप कर सकते हैं शादी, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ऐसे अगर आप सेवा करते हैं, ऐसे रहते तो और भी बेटर है, क्योंकि आपको टेंशन कम होगी। वरना जिनकी शादी होती है, बच्चों की टेंशन, बीवी की टेंशन, दुनिया की टेंशन पड़ जाता है, तो प्रभु से थोड़ा दूर भी हो जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि आप सिस्टम अपना सही रखें, खुदा के साथ जुड़े, तो प्रभु के जो वचन है वो सत्य वचन है। आमीन। और इसके पहला तीमुथियुस का 5:7 को पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है। लास्ट एंड फाइनल मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे। अब प्रभु का जो वचन है, पालूस कहता है खुदा के दासों को ये वचन भी बोलने चाहिए, ये भी टीच करना चाहिए ताकि वो निर्दोष रहे। हमें बताना चाहिए विधवाओं को भी आपकी ये क्वालिटी है। हर एक खुदा के दास का फर्ज है ये बातचीत करना। हालेलुया। आप अपने चर्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टडी दें, सही स्टडी दें। और मैं देखता हूं कि आजकल तो बस पता नहीं क्यों मुझे, मतलब मैं सोचता हूं कि लोग स्टडी क्या देते हैं। सच में जो बाइबल में लिखा हो ना कि अंतिम समय के अंदर झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, उपदेशक खड़े होंगे, ये बॉम्बे की तरफ से मैं नाम नहीं लूंगा, ये खड़े हो चुके हैं, जो कहते हैं हम 200 साल पुरानी शिक्षा को चेंज कर देंगे और एक नई जागृति लेके आएंगे, हम मसीह कि ये लोग हैं ये कर देंगे, ये कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह की देह को खराब करने वाले लोग हैं। उनकी निशानी मैं आपको बता सकता हूं, उनकी निशानी है अन्य भाषा बोलने वालों को बाहर निकाल दो। अगर आप वर्शिप करते हो तो पवित्र आत्मा भी रोता है, यीशु मसीह भी रोता है, पैसा नहीं देना, ये नहीं करना, ये ग्लोसा भाषा है, ये ऐसी भाषा है, ये ऐसा है, ये वैसा, इन लोगों से आप सावधान हो जाओ। मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूं कि ये झूठा उपदेशक आदमी है, जो पालूस को भी ये बोलता है इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, यीशु को ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इस आदमी को कुछ भी नहीं पता, ये झूठी स्टडी मन के दर्शन बना बना के स्टडी देता है और दो तरफ बोलता है, एक तरफ बोलता है दे दो और एक तरफ बोलता है ना दो। बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं उसके नोट्स आपको दिखा दूं, किस दिन नोट्स ही पढ़ा दूं तो आपको पता लग जाए कैसा आदमी है। बहुत सारे पास्टर्स इसके पंगेबाजी भी चले हैं, इसने कई लोगों पर केस भी किया है, तो बाइबल लिखा है हम पास्टर केस कर नहीं सकते, और वो पड़े खुदा के दासों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर। इस बंदे को बाइबल की नॉलेज नहीं है, इससे भी आप सावधान हो जाए। मैं सिर्फ इशारा ही कर रहा हूं आपको, बाइबल पढ़े सीखे, अच्छे अगुओं सीखे, ये ना सोचे आप कि बहुत लंबे प्रचार है मैं क्यों देखूं। मेरे हमेशा थोड़ा लंबे प्रचार होते हैं और पूरा सिस्टमेटिक एक चीज बताई जाती है आपको। प्रभु आपको आशीष दे। आप भी प्रार्थना करें, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें आप, और हमारे लिए भी, अगर आप हमारे से जुड़ के भी काम करना चाहते हैं तो मिलके भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु का काम करना हम लोगों को, प्रभु हमारा धर्मी है और हमें भी धार्मिक काम करने हैं, और हम धार्मिक काम भी करते हैं, हम लोग प्रभु वचन सुनाते हैं, बहुत सारे
हमारे वर्क हैं जो हम लोग करते हैं। आप भी चाहें तो हमारे साथ मिलकर सेवा कर सकते हैं। वेलकम, प्रभु आपको आशीष दे। और हमेशा विधवाओं के लिए भी आप ध्यान दें कि आप प्रभु की महिमा करेंगे और इस जमीन पर रहते हुए हम निष्कलंक रह सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।